जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेमी गोविंद में। प्रेमी सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और बच चुके हैं एक और हम जा रहे हैं खेत। और देख सकते हो आज थोड़े से बादल भी हैं, और क्योंकि बारिश भी होने वाली है इसी वजह से दादी दीदी और मम्मी तिल्ली जो है उसे साफ कर रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये सनाई के पेड़ हैं, इसके ये जो फूल होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है बेसन में लपेट के। और ये आप देख सकते हो भिंडी का फूल, जिसमें फूल लगा है ये भिंडी का पेड़ है। दोस्तों ये देख सकते हो मकाई का पेड़ है, ये हमारे बगल में है। और इधर ये खेत है, इसमें इधर मूंगफली है। और ये आ गया हमारा बाग। और हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो गया था, उसके बाद थोड़ा हम बीमार हो गए थे इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब कुछ ना कुछ हम रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। और हमने ये आज ये बोतल लाए हैं पानी पीने के लिए। और ये है किताब डॉक्टर उज्जवल पाटनी की, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, ये हम आज पढ़ेंगे। और इस समय यही किताब पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अच्छे से बोलें और कैसे एक सफल वक्ता बने। और इसके ये जो तीन हमने वाक्य लिखे हैं किताब पर, आप देख सकते हो कि सत्य और सरल और संक्षिप्त है। यदि आप कोई भाषण या कोई स्पीच देते हैं तो यदि वो सरल होगा और संक्षिप्त होगा और सत्य होगा तो आपकी बात ज़रूर ही कई लोगों के पास जाएगी और आपको लोग उतना ज़्यादा सुनेंगे। इससे मैंने अभी ये कह सकते हैं अगर एक चीज़ कोई सीखी है तो हमने ये सीखी है। और ऐसे ही किताब और पढ़ेंगे तो इस पर किताबों पर वीडियो और बनाएंगे। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही गांव की विलेज लाइफ दिखाते रहेंगे। और ये आ गए हैं हम अपनी खाट के पास, ये देख सकते हो। अब यहीं पर थोड़ा पढ़ाई करेंगे। दोस्तों बजने वाले हैं 3 और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आसुदा का फ़ोन आया था। कुछ यूट्यूब के विषय में बताएंगे, वही हमको मोटिवेट करते हैं। ये जो हम ब्लॉग बनाते हैं उनकी वजह से ही बना रहे हैं। और हमने इस किताब में सीखा, और आप पहले आप देख सकते हो कि आप बादल कितने हैं। और अभी हमारे बाबा का फ़ोन आया था जो कि कानपुर देहात के चिलौली गांव में रहते हैं, जो कि रूरा के पास है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर 1 घंटे से बहुत बारिश हो रही थी, तो हमने दीदी से पूछा कि आपने सब काम कर लिया है, क्योंकि तिल्ली बाहर पड़ी थी इसीलिए। उन्होंने कहा हाँ। तब इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उनका 2 बजे फ़ोन आया था, अब बज चुके हैं 3 बजने वाले हैं। तो हमने 30 पेज इससे पढ़ा है। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने एक बात सीखी वो आपको बताना चाहते हैं कि आई कांटेक्ट जब भी सुनते होगे, कि यदि आपको किसी साक्षात्कार में जाना यदि पड़े इंटरव्यू में तो आपको आई कांटेक्ट ज़रूर बनाना होगा। तो आई कांटेक्ट क्यों ज़रूरी है, आई कांटेक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हम ये आपसे ये ब्लॉग बना रहे हैं, और यदि अभी कोई चीज़ आ जाए हम इधर देखने लगे आपका ध्यान भी इधर और भटक जाएगा, इसीलिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है। यदि श्रोता समझेगा कि आपका ध्यान उस पर नहीं है और वो भी भटक जाएगा, इसलिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है। चलिए आसुता के साथ पास जाते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। मैं आ चुका हूँ, जा रहा था आसुदा के घर, लेकिन सूचना मिली कि गोकुल धाम स्टेडियम में हो रहा है मैच और हम आ पहुँचे हैं। देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, मौसम भी आज खुशनुमा है और मैच भी यहाँ पर तगड़ा हो रहा है। ये है टिल्लू राजपूत, जिन्हें कहते हैं अमित, और इनकी मम्मी जो हैं ये हमारे घर का राशन खा रही हैं। हमें और कोई भी दिक्कत नहीं है, इनका मम्मी का नाम जो हम लेते हैं वास्तव में इनकी मम्मी हमारी भाभी लगती है। ये है बॉलर श्यामजी तिवारी, दिस इज माय ब्रो, एंड उधर खेल रहे हैं आशीष पप्पू राजपूत, और पीछे उसका छोटा सा भाई आप देख सकते हो। और एक बॉल होने जा रही है, दूसरी बॉल, नेक्स्ट बॉल, एंड बॉलर इज कमिंग एंड डिलीवर द बॉल एंड And see, leave the ball. धीरे धीरे बारिश होने लगी है और हम आ गए हैं आसुदा के घर से वापस। वहां पर आए थे उन्नाव से कुन्नू दद्दा, जिन्होंने हमें ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेट किया
और कहा कि रोज़ ब्लॉग कुछ ना कुछ डालते रहिए, और इसीलिए अब हम ब्लॉग थोड़ा ना थोड़ा रोज़ बनाते रहेंगे। गाइस शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो मम्मी ने कर दिया है धुआं, और क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो घर है इधर काफ़ी बगल में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से, और नाली भी घर के बाहर है, इसकी वजह से मच्छर बहुत लगते हैं, तो इसकी वजह से जानवरों के लिए ये धुआं किया जाता है। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पढ़ने, इसके बाद गाय धोएंगे। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।